हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से शमसी भाई मौजूद हैं और शमसी भाई से हम शिया पीजी कॉलेज को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। शमसी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में। शिया पीजी कॉलेज को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसकी हम जानकारी लेना चाहते हैं। जिस तरह की वहाँ पर एलिगेशन आ रहे हैं यासूब अब्बास के ऊपर और शिया कॉलेज में जिस तरह की गड़बड़ियाँ कही जा रही हैं, तो इसकी सच्चाई कितनी है, क्या है, ये हम आपसे जानकारी चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं उनमें अगर किसी को नंबर वन की रैंकिंग देनी है भ्रष्टाचार में तो वो शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ है। शिया कॉलेज में पिछले कई सालों से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पे धांधलियाँ की जाती हैं, वहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं उनमें बड़े पैमाने पर धांधली है। एक धांधली जो खुले तौर पे मैंने इनके सामने लेके आया वो ये था कि 2020 में दो फैकल्टीज़ के ऊपर इन्होंने इंटरव्यू किए थे, उसमें इन दोनों फैकल्टीज़ के ऊपर इनकी दोनों सगी भाभियों का अपॉइंटमेंट होना था। इंटरव्यू के तुरंत बाद मैंने ये बात उजागर कर दी कि इन दोनों फैकल्टीज़ में इनको नियुक्त किया जाएगा। यही उन्होंने किया भी। जैसे ही नियुक्तियाँ हुई मैंने इस मामले में चांसलर महोदया को और उसके अलावा वीसी वगैरह को लिखा तो ये नियुक्तियाँ रुक गई। शमसी भाई किन की वो भाभियाँ हैं ये हम जानना चाहते हैं। मौलाना यासूब अब्बास की सगी भाभियाँ हैं, उनके भाई जो खुद वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉन एलिजिबल आदमी हैं, लेकिन फिर भी उनको भी नौकरी मिली। उनके सारे भाई वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी दोनों भाभियों को नौकरी का मामला था। यानी करोड़ों रुपये सरकारी तनख्वाह के नाम के ऊपर यासूब अब्बास के घर पर जा रहा है, जो कि एक गैर कानूनी और गलत बात है। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो सारा पैसा लूट के ये अपने घर ले जाने वाली बात है। आपने भी बात ये कही कि कई साल से आप इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वजह है कि कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? सर देखिए, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है एजुकेशन के तमाम विभागों में पूरे भारत में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी वजह यही है। आप किसी महाविद्यालय में चले जाइए, सरकारी टीचरों से आप इंटरव्यू ले लीजिए तो शायद वो जो है वो छोटी मोटी स्पेलिंग्स भी सही ना बता पाएँ। उसी क्रम में, क्योंकि रिश्वतें दे के काम होता है तो रिश्वतें दे के कराया भी जाता है, ये सारी चीज़ें जिस वजह से ये बचे हुए अब तक। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बात को मानते हुए एक आदेश पारित किया था कि जितनी नियुक्तियां वो एक आयोग के ज़रिए होंगी, लेकिन ये मामला अभी पटल पर नहीं आया और मुख्यमंत्री के आदेश को भी धता बताते हुए जो ये वाला जो एक जो बड़ा रैकेट है इसका, वो आज भी ये सब उठा रहे हैं। क्या वजह है कि कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? सर देखिए, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है एजुकेशन के तमाम विभागों में पूरे भारत में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी वजह यही है। आप किसी महाविद्यालय में चले जाइए, सरकारी टीचरों से आप इंटरव्यू ले लीजिए तो शायद वो जो है वो छोटी मोटी स्पेलिंग्स भी सही ना बता पाएँ। उसी क्रम में, क्योंकि रिश्वतें दे के काम होता है तो रिश्वतें दे के कराया भी जाता है, ये सारी चीज़ें जिस वजह से ये बचे हुए अब तक। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बात को मानते हुए एक आदेश पारित किया था कि जितनी नियुक्तियां वो एक आयोग के ज़रिए होंगी, लेकिन ये मामला अभी पटल पर नहीं आया और मुख्यमंत्री के आदेश को भी धता बताते हुए जो ये वाला जो एक जो बड़ा रैकेट है इसका, वो आज भी ये सब नियुक्तियों के ऊपर भरपूर किस्म से लगा हुआ है। क्या चाहते हैं आप इस मामले को लेकर कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो इनकी दोनों भाभियों का कि जो कि नॉन एलिजिबल हैं और उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी कहीं से प्राप्त नहीं की है, नकली मार्कशीटों पे और फर्जी तरीके से मार्कशीटें बनवा के उन्होंने इनकी नियुक्तियां करने का प्रयास किया है, उन दोनों का मामला निरस्त हो, उन दोनों अपॉइंटमेंट्स को निरस्त किया जाए और पुनः इन फैकल्टीज़ में जो इंटरव्यू हों वो आयोग के ज़रिए हों और आयोग ही जो है वो नियुक्तियाँ करें। ये थे हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से शमसी जी, जिनकी ये टीस है, जिनकी ये दर्द है कि सरकारी स्कूलों में जिस तरह की सरकार की तरफ से जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को और जिस तरह से सरकार की तरफ से जो पूरी सहूलियतें जो दी जा रही हैं उसका सही तरीके से उपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, और जो उस सरकारी स्कूल में उच्च कोटि पर जो लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो गड़बड़ी कर रहे हैं वो गड़बड़ी ना होने पाए। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।